तब दादा लड़का का क्या नाम रखेगा? आज तो बृहस्पति वार कर दी है। हर साल की बात है, इस साल भी संवाद का आयोजन किया गया है। ये 11th एडिशन है संवाद का। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है, इस बार कितना सारा इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, आपको सब चीज बताने वाले वीडियो में आज तक बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे लाइटिंग किया गया है। और अभी हम बिष्टुपुर पहुँच चुके हैं, ये है सामने रिगल ग्राउंड। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर संवाद में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये 11th एडिशन है संवाद का और इस साल 483 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आया हुआ है। आपको जैसे कि साउंड से पता चल रहा होगा, नगाड़ा वगैरह बहुत कुछ आया है। सो चलिए अंदर लेके चलते हैं। इतना सुंदर लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं पूरा पेड़ में लाइट से डेकोरेट किया गया है। और सामने ही यह है मेन एंट्रेंस गेट, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर वगैरह भी लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, आपको अंदर लेके चलते हैं। जमशेदपुर में संवाद 15 नवंबर से 19 नवंबर तक बिष्टुपुर के लीगल ग्राउंड में रहने वाला है। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है और ये एंट्रेंस में ही दो बड़ा बड़ा नगाड़ा रखा गया है। ये थर्मोकोल से बना हुआ नगाड़ा है, ढोल है। अंदर आ चुके हैं और आज संवाद का पहला दिन है 15 नवंबर। देखिए यहाँ पे उसके साथ साथ आपको कुछ इस तरह से यहाँ का डेकोरेशन देखने को मिलेगा, जो कि गांव का खपरा का जो मकान बोलते हैं उस तरह से लग रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं और बीच में स्टेज बना हुआ है जहाँ पे लाइट वगैरह बहुत अच्छा लगा हुआ है। आपको पूरा डिटेल में वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। देखिए गाइस यहाँ पे उसके साथ साथ ही आपको भगवान बिरसा मुंडा का ये स्मारक यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम लोग राइट साइड से आपको पूरा स्टार्ट करके दिखाना क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है। सबसे स्टार्टिंग में ही ये आपको हैशटैग है माई ट्राइब। तो देखिए दोस्तों आज झारखंड वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर। और देख सकते हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आया हुआ है, ये कहाँ का, मेघालय का। मेघालय, असम और भी इंडिया का अलग अलग स्टेट से यहाँ पे बहुत कुछ बेचने के लिए यहाँ पे लाया गया है, जो कि लोकल लोगों द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं झारखंड का भी हैंडीक्राफ्ट सब है, कितना ही मस्त मस्त यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सब आया हुआ है। और यहाँ का जो लुक है, जो डिज़ाइन किया गया, पूरा गांव वाला डिज़ाइन किया गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, ये सारा जो चीज़ है सब बैम्बू से बना हुआ है। ये होम डेकोर आइटम है जो घर का गेट में लगाया जाता है। यहाँ पे फ्लूट भी है, तीर धनुष भी है और भी बहुत कुछ है। देखिए ये 1200 का है, ये 200 का है और ये 700 का है। सो काफ़ी अच्छा रेट में आपको एक होम डेकोर का आइटम यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ बहुत तरह का फ्लूट भी है। गुजरात का शॉप में यहाँ पे देखिए गुजरात से क्या आया हुआ है, बैम्बो से बहुत कुछ बना हुआ है और उधर इतना कुछ पेंटिंग वगैरह है। देखो यार रियल पंखों पर पेंटिंग बना हुआ है।
देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे अलग अलग स्टेट से बहुत सारा स्टॉल आया हुआ है। सारा चीज़ तो आपको घुस घुस के दिखाना पॉसिबल है नहीं, बट आप लोग यहाँ पे आइए, ये 3 दिन तक रहने वाला है। सो आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं अपने घर के लिए। तो अभी पूरा ऐसे करके पूरा राउंड लगा हुआ है। दोस्तों आपको ये जो साउंड सुनाई दे रहा है ये एक्चुअली नगाड़ा है और भी ढोल तासे क्या क्या नाम है, बट ये झारखंड का जितना भी सटा हुआ स्टेट है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, सब जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेके। और यहाँ पे टोटल अभी 483 इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे एक साथ बजाया जा रहा है। तो आपको उधर भी लेके चलेंगे, सबसे पहले आपको शॉप वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद आपको उधर भी लेके चलेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नागालैंड का मफलर देखो, प्राइस क्या है इसका, प्राइस क्या है भैया, प्राइस 1500। ओके देखिए यहाँ पे क्या क्या है। आज फर्स्ट दिन है तो बहुत सारा शॉप यहाँ पे लगा नहीं है, बहुत सारा शॉप यहाँ पे खाली है, बट ये अभी 19 तारीख तक रहने वाला है। सो आप लोग अगर आज नहीं आ पाए हैं तो आप लोग के पास और 2-3 दिन है, आप लोग आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये है जमशेदपुर के विष्णुपुर रेगल ग्राउंड में ये लगा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर चीज़ आया हुआ है। ट्रेडिशनल फूड है सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चलिए हम लोग भी अलग अलग यहाँ का डिशेस ट्राई करेंगे क्या क्या आया हुआ है। देखिए ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक है आपका फूड कोर्ट, आपको अगर घूमते घूमते भूख लग जाए तो आप लोग यहाँ पे आके कुछ खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो चलिए ये क्या है, आतिथ्य, यहाँ पे क्या होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन हम झारखंड में किस तरह से कर रहे हैं हर साल की भांति इस साल भी। सो चलिए आपको अब इस मैदान का दूसरे साइड लेके चलते हैं और देखते हैं उस साइड में क्या क्या हो रहा है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साहित है, जोश में है, डांस कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बहुत ही मस्त माहौल है। सो आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, 3 दिन ही और रहने वाला है जमशेदपुर के रिगल ग्राउंड में, तो आप लोग भी आ जाइए और इसको ज्वाइन करिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लोग ग्राउंड के दूसरे साइड में आ चुके हैं और इधर बहुत सारी जो जड़ी बूटी दवाई होता है वो सबका यहाँ पे शॉप या स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जड़ी बूटी लेकर। मध्य प्रदेश, कितना सुंदर लग रहा है। हम अभी स्टेज से काफ़ी दूर खड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग लास्ट में यहाँ पे बहुत सारा डांस वगैरह भी करेंगे। जो मैदान का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ इन सब का स्टॉल लगा हुआ है और राइट साइड में आपको बहुत सारा होम डेकोर आइटम, बहुत सारा जो हाथ से बना हुआ सामग्री उसका है और पीछे साइड में खाने का स्टॉल लगा हुआ है। तो आई होप आप सबको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं स्टेज के पास और दिखाते हैं स्टेज के पास क्या हो रहा है। सकते हैं रेड कारपेट बिछा हुआ है। तो अभी आपको लेके चलते हैं स्टेज पास और दिखाते हैं स्टेज पास क्या क्या हो रहा है। क्या सुंदर यहाँ पे लाइट लगा हुआ है गाइस, आप देख सकते हो। You may die.
सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नगाड़ा को प्ले किया जा रहा है और बहुत ही अलग इसका वाइब है गाइस, बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। देखिए स्टेज और यहाँ पे अभी परफॉर्म किया जा रहा है। स्टेज कितना सुंदर लग रहा है दूर से और यहाँ पे बहुत सारा जो लाइट्स वगैरह लगा हुआ है अलग अलग कलरफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों ये देखने में। और अभी हम लोग जस्ट खड़े हुए हैं और साउंड को एंजॉय कर रहे हैं। आपको ये संवाद कैसा लगा आप जरूर बताइए। Can we hear it loud, Jamshedpur, for them? Thank you so much, Jamshedpur. You've been a lovely audience. Thank you so much. So guys, अभी थोड़ी देर में ये संवाद का जो प्रोग्राम था ये खत्म होने वाला है। तो अभी हम लोग जस्ट इंजॉय कर रहे हैं, आपको सब चीज़ दिखा चुके हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन सा स्टॉल लगा हुआ है। सो अभी यहाँ पे लास्ट एक डांस यहाँ पे होगा, तो हम लोग अभी उसको इंजॉय करेंगे। और चलिए आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग अगर जमशेदपुर से है और यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो आप लोग आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्टोरी है वो यहाँ पे नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट डे आपको कैसा लगा? ये अभी 19 तक रहने वाला, तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगे। और आप लोग जो नहीं आए हैं आप लोग यहाँ पे आके ज्वाइन करिए। आज खत्म हो चुका है अभी, और देखिए सब अभी वापस जा रहे हैं, सारा नगाड़ा वगैरह सब उठ चुका है। सो वीडियो कैसा लगा गाइस आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग अगर आज इसको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ये 19 तक रहने वाला है, तो आप लोग आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।